नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है परवरिश। मैं आचना गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस कार्यक्रम में हम परवरिश से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर बातचीत करते हैं। NILP यानी नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत हम इस कार्यक्रम की कड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं और इसी क्रम में हमारे साथ जुड़ी हैं हमारी एक्सपर्ट डॉक्टर कविता अस्थाना जी। नमस्कार मैम। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। डायरेक्टर हैं इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन इंडियन विजडम। आज की हमारी बातचीत मोबाइल फोन और उसके इस्तेमाल के बारे में होगी। तो मैम, मेरा पहला सवाल आपसे इसी बातचीत के क्रम में है कि मोबाइल फोन का इस्तेमाल बच्चों के लिए कितना जरूरी है? देखिए, पहले तो मोबाइल फोन का बच्चों से कोई लेना देना होता ही नहीं था, लेकिन जब से ये कोविड आया उसके बाद सब कुछ मोबाइल पे चला गया क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई। पहले बच्चों से पेरेंट्स कहते थे कि 10th में मार्क्स अच्छे लाओगे या 12th में मार्क्स अच्छे लाओगे, जो गलत है, पर कहते थे तब हम आपको एक मोबाइल देंगे। अब तो क्लास 4 में 5 में 6 में ही आपको मोबाइल देना है क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन लर्निंग ऑनलाइन टीचिंग है। तो मोबाइल का इस्तेमाल तो बहुत ज़रूरी हो गया है, लेकिन इसका प्रयोग बहुत लिमिटेड होना चाहिए, ये पेरेंट्स को बच्चों को सिखाना होगा। तो मैम, बच्चों में मोबाइल फ़ोन की जो इस्तेमाल की आदत दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, उस आदत को हम कम करने के लिए क्या कर सकते हैं? सबसे पहले पेरेंट्स को कम करना होगा। हम बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो मोबाइल का प्रयोग लिमिटेड करें, सिर्फ अपने क्लासेस के लिए करें, लेकिन हम हमेशा सोशल मीडिया पर, मोबाइल पर, लैपटॉप पर लगे रहते हैं। तो हमारे कथनी कुछ और है, हमारी करनी कुछ और है। तो बच्चे कथनी पर नहीं जाते, बच्चे हमेशा करनी पर जाते हैं। तो इसलिए जब माता पिता बच्चों को ये कहें कि मोबाइल का लिमिटेड यूज़ करना है, तो ये कहते हुए वो खुद भी मोबाइल पर ऐसे ऐसे स्क्रॉल कर रहे होते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। तो एग्जाम्पल सेट करना होगा अपने बिहेवियर से। दूसरी चीज़, बच्चों को मोबाइल के जितने भी डीमेरिट्स हैं वो बताने होंगे, और ऐसी बहुत सारी पिक्चर्स हैं जो अवेलेबल है इंटरनेट पे, जिसमें मोबाइल का ओवर यूज़ करने पर ब्रेन का वो हिस्सा, जिस कान पे आप मोबाइल लगाए होते हैं तो ब्रेन का वो हिस्सा पूरा रेड हो जाता है। ऐसे पिक्चर्स जब हम बच्चों को दिखाते हैं तो बच्चों में वो डर बैठ जाता है। मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताती हूँ। मेरी ही पड़ोस में एक बच्चा है, बहुत ज़्यादा मोबाइल वो यूज़ करता था। एक कोई एपिसोड ऐसा मेरा पढ़ने में आया कि बच्चे ने मोबाइल पे बात कर रहा था चार्जिंग पे प्लग लगा के, और वो मोबाइल फट जाता है। अब मैंने वो मोबाइल से, जब वो कान फट गया, वो पिक्चर उस बच्चे को दिखाई और उसको कहा कि ये बहुत ज़्यादा यूज़ करने पर मोबाइल गर्म हो गया और उसके बाद उसका देखो पूरा ये कान फट गया। वो बच्चा इतना डर गया कि उसने मोबाइल को बहुत दिनों तक तो हाथ नहीं लगाया और अपने से भी बहुत दूर रखा। तो कभी कभी बच्चों को डराना भी बहुत ज़रूरी है। तो अगर पेरेंट्स बच्चों को मोबाइल के जो रेडिएशंस हैं, उन हार्मफुल इफ़ेक्ट्स के बारे में अगर बच्चों को अवेयर करेंगे, सिर्फ ये नहीं कहना है कि नहीं करो नहीं करो आंखें खराब हो जाएंगी, नहीं, आपको ऐसे एग्जांपल्स देने पड़ेंगे, हो सकता है कुछ कुकअप भी करना पड़े बच्चों को समझाने के लिए, जो हर माता पिता करते ही हैं। तो अगर ऐसा कुछ कुकअप कर लेंगे कि बच्चों में गए थे, एक हॉस्पिटल गए थे, वहाँ बहुत सारे बच्चे थे जिनकी आईज़ में सर्जरी हो रही थी क्योंकि उनको दिक्कत हो गई थी, तो ऐसे ऐसे कुछ चीज़ें हम जब बच्चों को बताएं, और यहाँ ज़रूर डराएं क्योंकि ये वाला डर डालना बहुत ज़रूरी है। जी, तो बेहतर है कि ये बात हम अपने व्यूवर्स को साथ में ये भी कहें कि मैम डराने के लिए ये सिर्फ अपने एग्जाम्पल के तौर पर कह रही हैं, इसे लिटरल ना लेके जाएं कि आप अपने बच्चों को डराना ही शुरू कर दें चीज़ों को लेकर, बातचीत को लेकर। इस क्रम में मेरा एक प्रश्न और मेरे मन में जो आता है वो ये है कि क्या हमारे पास ऐसे विकल्प भी हैं मैम जो हम बच्चों को मोबाइल से हटाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी मोबाइल से दूर रखने के लिए हमारे पास बच्चों के लिए क्या विकल्प हो सकते हैं? देखिए, सबसे अच्छा विकल्प जो है मोबाइल का वो है किताबें, लेकिन आजकल माता पिता ने ही किताबों से बहुत दूरी बना ली है। तो बच्चे जिस एज के हैं उस एज अकॉर्डिंग अगर हम किताबें आसपास रखेंगे, बहुत छोटे बच्चे हैं लेकिन ये मोटी मोटी किताबें अगर लगी हुई हैं
घर में कोई लाइब्रेरी है या किसी अलमेरा में, तो बच्चों को उसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो बच्चे जिस एज के हैं उसके अकॉर्डिंग बुक्स हों, स्टोरी बुक्स हों, कॉमिक्स हों, कलरफुल बुक्स हों, और आजकल तो भंडार है इन चीज़ों का। तो इस तरीके से बच्चे के अंदर रीडिंग हैबिट्स डेवलप करनी होंगी, पिक्चर्स के लिए डेवलप करनी होंगी हैबिट्स, और बच्चों को बाहर लेकर के जाएं। बच्चे मोबाइल में लगते ही क्यों हैं? इसलिए लगते हैं क्योंकि वो अपना टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। अब टाइम स्पेंड करने के लिए अगर पेरेंट्स बच्चों को बाहर पिकनिक के लिए लेके जाएं, पिकनिक कल्चर अब ख़त्म हो गया है, केवल स्कूल्स तक ही सीमित रह गया है जब स्कूल्स लेके जाते हैं बच्चों को पिकनिक पर, तो वीकेंड्स पे मॉल्स ले जाने के बजाय, शॉपिंग पर ले जाने के बजाय, अगर हम बच्चों को पिकनिक पर लेकर जाएं, नेचर के करीब लेकर के जाएं, उनको स्टोरी बुक्स में से स्टोरीज पढ़कर सुनाएं, तो बच्चे को इंटरेस्ट डेवलप होता है कि जहां से हमारे पेरेंट्स पढ़ के सुना रहे हैं तो क्यों ना हम खुद ही उसे पढ़ें। बट इट ऑल टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट्स एंड लॉट ऑफ टाइम, जो अनफॉर्चुनेटली पेरेंट्स के पास अब नहीं है। बिल्कुल, बहुत ही सही बात कही मैम आपने कि अगर हमें इस समस्या का समाधान ढूंढना है तो हमें उसकी जड़ तक पहुंचना होगा, और इसकी सबसे बड़ी बात जो है कि हम खुद पेरेंट की तरह फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, टैबलेट्स का इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद हम ये बच्चों से कहते हैं कि आप इनका इस्तेमाल ना करें। तो हमें पहले खुद से इस आदत को कम करना होगा, खुद को किताबों से सरोबर करना होगा, खुद को किताबों के आसपास रखना होगा। जितना ज़्यादा हम किताबें पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा हम उनसे जुड़ेंगे, उतना ही ज़्यादा हम बच्चों को भी उनसे जोड़ पाएंगे। और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जब हम बच्चों को किताबों से जोड़ते हैं तो हम उन्हें भाषा से जोड़ते हैं। बिल्कुल, क्योंकि अब हम कहते हैं कि बच्चों के भाषाई शब्दकोश बहुत सीमित होते जा रहे हैं, वो वही सीखते हैं जो वो अपने आसपास फ़ोन में या अपने आसपास के कार्टून्स में सुनते हैं, देखते हैं, तो हम ही उन्हें उस शब्दकोश तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं, ये हमारी परेशानी है। तो हम जितना ज़्यादा किताबों से उन्हें अवगत कराएंगे, जितना ज़्यादा किताबों से उनके आसपास रखेंगे, उन्हें कहानियों को पढ़कर दिखाकर किताबों के माध्यम से पहुंचाएंगे, उतना ही ज़्यादा उनका शब्दकोश भी सुधरेगा और उतना ही ज़्यादा वो अपने मोबाइल के इस्तेमाल से दूर रहेंगे। जी याचना जी, यहाँ पे एक बात मैं ऐड करना चाहती हूँ। आजकल माता पिता क्या करते हैं कि अगर बच्चा खाना नहीं खा रहा तो वो उसको कार्टून नेटवर्क लगा के उसके सामने बिठा देते हैं, क्योंकि उनका काम इजी हो गया जी, खाना खिलाने वाला। बिल्कुल, कहाँ गए वो गाने जब ये कहा जाता था चंदा मामा दूर के, पुए पकाएं बूर के। अब पुए पकाएं कैसे, क्योंकि वो गाना तो हम गाते ही नहीं, हमने बिठा दिया कार्टून नेटवर्क के सामने। तो हर चीज़ की अपनी एक उपयोगिता है। तो अपना काम आसान करने के लिए हमने बच्चे को टीवी के सामने बैठा दिया या मोबाइल हाथ में पकड़ा दिया, तो यहाँ पर ये काम तो सरल हो गया पर आगे के लिए बहुत मुश्किलें खड़ी हो गई। तो पेरेंट्स को टाइम तो देना ही पड़ेगा जी। तो ये बहुत ज़रूरी बात कही मैम आपने कि हमें समय निकालने की और समय देने की आवश्यकता है। तो हमारे पास अगर समय नहीं है तो हमने खुद उन्हें मोबाइल के एक विकल्प तक पहुँचाया है। अगर हम उनके साथ बैठकर बातचीत करें, उनको समय दें, कहानियाँ सुनाएं, किस्से सुनाएं, उनके साथ बाहर घूमने जाएं, तो शायद ये मोबाइल का इस्तेमाल करना कम हो जाए। तो मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस कड़ी में जुड़ने के लिए। अगली कड़ी में फिर हम आपके साथ कुछ नए प्रश्नों के साथ आएंगे और उनके निवारणों की बातचीत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।